मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका खास प्रोग्राम भोजपुरी दंगल। जी हाँ, भोजपुरी दंगल का ये प्रोग्राम बहुत ही अलग होता है, बहुत ही हटकर होता है, क्योंकि हम आपको नेक्स्ट नाइन न्यूज़ भोजपुरिया के ज़रिए आपको भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी तमाम खबरें, तमाम जानकारी तो देते ही हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में हम आपको उन खबरों से रूबरू करवाते हैं जो कि यूपी बिहार की बड़ी खबरों में से एक मानी जाती है, मोटिवेशनल स्टोरी मानी जाती है। और वो एक किसी स्टोरी को द्वारा, वो स्टोरी लिखी नहीं जाती, बल्कि वो एक रियल कहानी होती है, रियल लोगों की कहानी होती है। आज मैं खबर जो लेकर आई हूँ वो तो आपको भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, लेकिन उनकी कहानी एक बहुत ही दिलचस्प तरीके का है, बहुत ही अलग अलग मोड़ पर उन्होंने क्या कुछ देखा है, ये सारी बातें मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। और मैं आज जो खबर आपके लिए, जो मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आई हूँ, वो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के मेगा स्टार कहे जाने वाले रवि किशन को लेकर है। रवि किशन एक ऐसे अभिनेता हैं जिनके बारे में शायद आप सभी को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, उनकी हर चीज़ों से आप रूबरू हैं और आपको हर चीज़ उनके बारे में पता है, क्योंकि जिस तरीके से वो अपनी अदाकारी से, अपने कलाकारी से दर्शकों के दिलों में जगह बनाते हैं, ठीक उसी तरीके से वो अपने जीवन से जुड़ी तमाम जानकारियाँ, तमाम चीज़ें आपको उनके बारे में पता है, क्योंकि वो कभी भी अपने दर्शक से अपनी कोई भी बात, किसी भी बात का जिक्र करते हैं और अपनी दिल की सारी बातें बता देते हैं। तो मैं आज आपके लिए जो प्रोग्राम लेकर आई हूँ वो हमारे रवि किशन की एक ऐसी जीवन से जुड़ी, मैं उनकी पूरी जीवन से जुड़ी कहानी नहीं आपको बताने वाली, लेकिन उनके इतने लंबे समय में, जी हाँ, उनके जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी सच्चाई बताने वाली हूँ जो कि शायद आप नहीं जानते होंगे, और शायद उसे जानने के बाद आपको उस पर यकीन भी ना हो, लेकिन ये सच है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता बच्चन कहे जाने वाले रवि किशन मुंबई के गोरेगांव स्थित एक बिल्डिंग के 14वें फ्लोर पर रहते हैं। रवि ने दो डिलेक्स को मिलाकर एक घर बनाया है जिसका साइज 8000 वर्ग मीटर का है। यह घर में 12 बेडरूम, डबल हाइट की छत वाला टेरेस है और एक जिम के अलावा भी बहुत कुछ है। बता दें कि मूल्य जौनपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले रवि किशन को मुंबई में अपना घर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी है। कभी एक छोटे से चौल के कमरे में रहते थे रवि किशन। जी हाँ, अपने इंटरव्यू के खास बातचीत के दौरान रवि ने बताया कि यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने कड़ी मेहनत की है। मैं मुंबई में अपने शुरुआती दिनों की याद करता हूँ जब मैं एक चौल स्थित 120 वर्ग फुट के रूम में रहता था। वह रूम में अपने 12 साथियों के साथ शेयर करता था और आज अकेले मेरे पास 12 बेडरूम का घर है। रवि के इस घर के टेरेस में कई पेड़ पौधे लगे हैं जिन्हें देखकर एक खूबसूरत बगीचे का एहसास होता है। वे बताते हैं कि हम यहाँ चीकू और मिर्चियाँ उगा रहे हैं, मेरी पत्नी प्रीति को हरियाली से लगाव है इसलिए यहाँ सब पेड़ पौधे लगाए गए हैं। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि कंकड़ों से बनी इस बिल्डिंग की 14वीं मंजिल पर हम ऑर्गेनिक फल और सब्जियां उगाएंगे। पेड़ पौधों से लंबी बातचीत कर खुशी महसूस करने वाले रवि किशन अपने पालतू जानवरों के साथ खेलना भी पसंद करते हैं। वे कहते हैं कि मेरे पास दो कुत्ते हैं जिनमें से एक रॉटविलर और एक चिहुआहुआ है। मेरे पास तीन लव बर्ड्स और कोको नाम का एक तोता भी है। अपनी फिल्म को रिलीज होने के बाद और उसका जश्न मनाने के साथ रवि किशन कहते हैं कि मुझे खुद पर यकीन नहीं होता और मैं काम में इतना व्यस्त रहता हूं कि उन्हें घर पर रहने का कम ही समय मिलता है, लेकिन जब भी वे घर में होते हैं तो शॉर्ट्स में रहना पसंद करते हैं, जिम में पसीना बहाते हैं और अपने पेड़ पौधों के साथ, जानवरों के साथ समय बिताते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो रवि किशन आज के समय में जिस तरीके से रहते हैं, ठीक उसके अपोजिट वो अपने समय में समय गुजार चुके हैं जिस समय वो स्ट्रगल कर रहे थे। आपको बता दें कि कुछ समय पहले अमिताभ बच्चन ने एक इंटरव्यू के दौरान एक बहुत ही बड़ा खुलासा किया था जो कि आपको चौंका देगा। जी हाँ, रवि किशन ने कहा कि जिस समय मेरी बेटी हुई थी उस समय उनके पास मात्र 5000 रुपये भी नहीं थे जो कि आप वो अपनी बेटी को लेकर आ सके हॉस्पिटल से। उसके बाद उन्होंने अपने मैनेजर से वो पैसा लिया और अपनी बेटी को लेकर आए।
रवि किशन कहते हैं कि मैं वो दिन शायद नहीं कभी भूल सकता, क्योंकि लोग अच्छे दिन तो शायद भूल जाए लेकिन वो बुरे दिन कभी नहीं भूलते, और ये बात रवि किशन को हमेशा हमेशा याद रहेगी। रवि किशन इसी के साथ कई बार बताते हैं कि उन्होंने ऐसे ऐसे दिन भी देखे हैं जिन्हें कि वो कल्पना भी नहीं कर सकते, और वो किसी को अपने आगे वो चीज़ें बता भी नहीं सकते, किसी को वो चीज़ें दर्शा भी नहीं सकते। तो वहीं आज की अगर बात कर ले तो हमारे ये रवि किशन भोजपुरी के ही क्यों, अब वो बॉलीवुड, टॉलीवुड और अब हॉलीवुड में भी एंट्री करने वाले हैं, और इसी के साथ साथ वो राजनेता भी बन चुके हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि उन्होंने इससे पहले राजनीति में भी सक्रिय हुए थे और उन्होंने चुनाव भी लड़ा था, हालांकि उनको कामयाबी नहीं मिली, लेकिन रवि किशन ने वो क्षेत्र अभी भी नहीं छोड़ा है। जी हाँ, वो अब देश के दूसरे सबसे बड़ी पार्टी यानी कि भाजपा के साथ वो मिले हुए हैं, और वो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के एक और सुपरस्टार मनोज तिवारी के साथ मिलकर उस पार्टी का साथ देते हैं और भाजपा के वो कार्यकर्ता हैं। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो रवि किशन का मानना है कि एक ही जिंदगी मिली है, एक ही समय मिला है, समय को व्यर्थ नहीं जाने दो, और जितना भी आपको काम मिलता है उसे करते जाओ, चाहे वो आपको फिल्म इंडस्ट्री से हो, चाहे वो आपका कोई राजनीति क्षेत्र से हो, और कहीं ना कहीं ये सारा श्रेय हम रवि किशन बॉलीवुड के शहंशाह जी हाँ अमिताभ बच्चन को देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जब 75 साल की उम्र में अमिताभ बच्चन इतना काम कर सकते हैं, अपना नाम कर सकते हैं, तो मैं तो उनसे बहुत ही छोटा हूँ, और मैं अगर जो मेहनत करूँ, सच्ची लगन करूँ, तो आज इंडस्ट्री में मुझे जो पहचान मिली है वो आगे भी ऐसी बनी ही रहेगी, और मैं आगे जब तक जिंदा रहूँगा मैं तब तक काम करता रहूँगा, चाहे मैं अपनी फिल्म में करूँ या फिर किसी राजनीति क्षेत्र में करूं। और रवि किशन को राजनीति क्षेत्र के साथ साथ भोजपुरी के तमाम दर्शक, बॉलीवुड के तमाम दर्शक और टॉलीवुड के तमाम दर्शकों की तरफ से बेइंतहा बेहिसाब उन्हें प्यार मिलता है, और यही प्यार, यही उनका दुलार आज रवि किशन को इस मुकाम तक लेकर आया है। तो देखा आपने कि किस तरीके से हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के मेगा स्टार यानी कि रवि किशन किस तरीके से उन्होंने, भले ही आज वो बॉलीवुड के कह लीजिए, टॉलीवुड कह लीजिए, या फिर उन्हें हॉलीवुड में भी अब एंट्री होने वाली है उनके बहुत जल्द, लेकिन और अब वो भोजपुरी इंडस्ट्री के तो मेगा स्टार हैं ही, लेकिन हर इंडस्ट्री में उनका एक अलग नाम और एक अलग पहचान बन चुका है। और मैं आपको बता दूं कि हाल ही में अब हमारे भोजपुरी के मेगा स्टार बंगाली फिल्म में भी नज़र आने वाले हैं, उन्होंने बंगाली फिल्म में भी काम करना शुरू कर दिया है। देखिए, ये चीज़ दर्शाता है कि अगर जो आपकी मेहनत अच्छी हो, आपका लगन अच्छा हो, और आपका मन पक्का हो कि आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, और आपकी मंजिल साफ हो कि हाँ आपको क्या करना है, कैसे करना है, तो वो काम करने में आप कभी भी पीछे नहीं हट सकते। हाँ, आपको कभी कदाल आपको मोटिवेशन ना मिले, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम आए, आप पीछे हटने के आपका मन करे, लेकिन जो अपने इरादों पे डटा रहता है, शायद उसी को रवि किशन कहते हैं, क्योंकि उनके भी तमाम ऐसी मुश्किलें आई हैं, तमाम ऐसी चीज़ें आई हैं जिसके वजह से उन्हें ऐसा लगा कि अब वो कुछ भी अपने जीवन में नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन मुसीबतों का उन्होंने डट कर सामना किया, और आज देखिए वो भोजपुरी के मेगा स्टार यानी कि बॉलीवुड के जिस तरह से अमिताभ बच्चन कहे जाते हैं, ठीक उसी तरीके से रवि किशन भोजपुरी इंडस्ट्री के मेगा स्टार कहे जाते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि रवि किशन के जो प्रेरणादायक है, जी हाँ, जिनसे वो प्रेरणा लेते हैं, वो बॉलीवुड के अमिताभ बच्चन ही हैं। और वो कहते हैं कि जब अमिताभ बच्चन इतनी ज़्यादा उम्र के होने के बावजूद भी अपने काम में लगे हुए हैं, तो मैं तो अभी उनसे बहुत छोटा हूँ। और मुझे लगता है कि ये स्टोरी हर किसी को सुननी चाहिए, हर किसी को जाननी चाहिए, और इसी वजह से मैं आपके लिए ये स्टोरी लेकर आई थी। फिलहाल आज के खास प्रोग्राम में इतना ही, आप बात करते हैं दर्शकों की। हमारे पास अमनदीप कुमार का मैसेज है जिन्होंने लिखा है, आपका प्रोग्राम बहुत ही सुंदर लगता है, हम लोगों को आप और ऐसे चीज़ें बताते रहे। बिल्कुल अमनदीप, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे इस प्रोग्राम को देखा और पसंद किया। मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए मैं ऐसे ही, आप सभी के लिए मैं ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी
लेते आऊँ ताकि आप भी इन चीज़ों को सुनकर जानकर आप भी अपनी मंजिल को पाने में आपको आसानी हो। फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही। कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए और हाँ, देखते रहिए नेक्स्ट आई न्यूज़ भोजपुरिया और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।